उनका
इंतकाल का अमल फलस्तीन में हुआ। उनकी रवानगी के वक्त सलमा हामिला थी, मतलब उनकी बीवी जो है खातून शादी कर रहे थे, बच्चा हुआ था, बाद में बच्चा पैदा हुआ जिसके सर के बालों में सफेदी थी, इसलिए उनका नाम शैबा रख दिया। ये बच्चा मदीने में परवरिश पाता रहा, लेकिन मक्के में हाशिम के भाइयों और खानदान के दूसरे लोगों को इसका इल्म ना था। वहाँ जो हाशिम के बच्चे पैदा हुए थे उसका इल्म या उनके खानदान में, हाशिम के खानदान में नहीं, उनके भाई बहन जितने भी हैं उनको मालूम नहीं होता कि वहाँ जा शादी करे, बच्चा भी पैदा हो, उनको भी इसके बारे में क्या भी नहीं मालूम होता। लेकिन बाद में 8 बरस बाद मुतलिब को इसका पता चला। मुतलिब को नहीं बोला तो दूसरे को भी बताओ।